तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया विंडो इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड 22494 और मैंने इसे कर लिया अपडेट। अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो मेरा वर्जन इस समय है 22494.1000। तो गाइस सबसे पहले हमें जो नया फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है वो देखने को मिलता है चैट टीम के अंदर। अगर आप किसी के ज़रिए बात कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट टीम में या मीटिंग के दौरान, तो आप डायरेक्टली यहीं से अपने माइक को म्यूट कर सकते हो। इसके लिए आपको ऐप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली आप यहीं से अपने माइक को म्यूट कर पाओगे। ये फीचर अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ ही यूज़र के लिए अभी अवेलेबल हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके ज़रिए आप फाइनली डायरेक्ट यहीं पर क्लिक करके अपने माइक को म्यूट या म्यूट कर पाओगे। तो हमें जो पहला चेंजेस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है टास्क व्यू के अंदर। तो गाइज अगर आप स्नैप ग्रुप यूज़ करते हो, अगर आपने अपनी जो ओपन विंडो को स्नैप ग्रुप में सेट कर रखा है जैसे मैंने सेट करके रखा है, अगर आप टास्क व्यू ओपन करोगे तो आपको टास्क व्यू के अंदर भी वो वैसे ही देखने को मिलेंगी। ये फीचर कुछ ही लोगों को दिया गया है अभी फिलहाल, इन फ्यूचर आपको सब डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप टास्क व्यू यूज़ करते हो तो आपको टास्क व्यू में भी स्नैप ग्रुप का जैसा आपने लेआउट बना के रखा है सेम वैसे ही आपको टास्क व्यू में भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज हमें जो नेक्स्ट चेंजेस देखने को मिलता है इसके अंदर, अब आप डिफॉल्ट ऐप्स के अंदर आप फाइल के टाइप और लिंक टाइप से भी सर्च कर सकते हैं ऐप को। बेसिकली अगर आप टाइप करोगे .mp4 तो जो भी ऐप .mp4 सपोर्ट करती होगी वो दिखा देगा। वैसे अगर आप टाइप करोगे .mov तो MOV से रिलेटेड जितनी भी ऐप होंगी शो कर देगा, जिस हिसाब से आप ईजिली डिफॉल्ट ऐप को सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो गाइज इसके अलावा इस बिल्ड के अंदर आप डायरेक्ट इस URL के ज़रिए अपने इंस्टॉल्ड ऐप की सेटिंग को खोल सकते हो। ये एक तरीके का URL इन्होंने दिया जिसके ज़रिए आप कहीं पर भी इस बार में आप पेस्ट करोगे और अपना इंस्टॉल्ड ऐप की सेटिंग को खोल पाओगे। और इसके अलावा आपको इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर शॉर्ट का फीचर देखने को मिल जाता है जिसके ज़रिए आप अल्फाबेटिकली लास्ट टू स्मॉल साइज और स्मॉल टू लार्ज साइज या लास्ट इंस्टॉल के ज़रिए ऐप को शॉर्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इसके अलावा इस बिल्ड के अंदर हमें जो फिक्सेस देखने को मिल जाते हैं, फाइनली अब आप किसी भी यहाँ पर माउस को ले जाओगे तो आपको टूल टिप देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप अभी तक कोई पुराना विंडो का स्टेबल वर्जन यूज़ कर रहे हो या बीटा वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप माउस ले जाके देख सकते हो कि आपको टूल टिप देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बिल्ड के बाद फाइनली इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया। अब आप माउस यहाँ पर कहीं पर भी ले जाओगे तो आपको टूल टिप देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप टास्क बार में कोई भी आइकन खोलते तो उसके डबल डबल आइकन यहाँ पे बन जाते थे, फाइनली इस बिल्ड के अंदर उसको भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा इस बिल्ड के अंदर फाइल एक्सप्लोरर के बग को फिक्स किया गया। तो गाइस कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम आई थी जब वो फाइल एक्सप्लोरर खोलते थे, अगर राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलते थे या यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलते थे तो उनका फाइल एक्सप्लोरर क्रैश हो जाता था। फाइनली उस बग को भी इसके अंदर फिक्स कर दिया गया। अब आप राइट क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर खोलो या यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर खोलो, कुछ भी करो, अब आपका फाइल एक्सप्लोरर क्रैश नहीं होगा। तो गाइज आपको पता होगा पिछली बिल्ड के अंदर सर्च से रिलेटेड बग्स फिक्स किया गया था, लेकिन उसकी वजह से इंडेक्स डाटा बेस बहुत ज़्यादा मेमोरी और CPU यूज़ कर रहा था। तो फाइनली इस बिल्ड के अंदर उस बग को भी फिक्स कर दिया गया है। और इसके अलावा इस बिल्ड के अंदर अगर आप दो दो डेस्कटॉप तीन डेस्कटॉप यूज़ करते थे और अगर Alt+Tab दबाते थे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर क्रैश हो जाता था, उस बग को भी फाइनली इसके अंदर फिक्स कर दिया गया। तो गाइज इसके अलावा इस बिल्ड के अंदर इनपुट से रिलेटेड जो थोड़े बहुत बग्स थे उसको फिक्स कर दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े बहुत जो बग्स थे उनको फिक्स कर दिया गया। जो मेन बग्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा जो नॉर्मल बग्स थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं और जो अदर बग्स थे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो अभी बग्स चल रहे हैं उनकी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो गाइज़ ये था विंडो इनसाइडर बिल्ड 22494 के मेन हाईलाइट जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।